इन जी चलो रिकॉर्डिंग अब शुरू हुई है। तो चूंकि फॉर्मेट चेंज हो गया, तो मेडिसिन में और बाकी डिसिप्लिन में ऐसा होता है कि 4 शॉर्ट केसेस होते हैं। हमारे अभी तक 2 लॉन्ग केसेस चल रहे थे, और इस बात पे काफी अरसे से डिबेट थी कि दे शुड बी रिप्लेस बाय शॉर्ट केसेस, बट ऐसा हो नहीं रहा था। बट सीपीएसपी की फैकल्टी ने अच्छा स्टेप लिया है, उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया है, यूनिवर्सल तरीका है ये। बाकी स्पेशलिटीज के जो एचओडीज थे, हर हर स्पेशलिटी का एक एचओडी होता है सीपीएसपी में, जिसको आप कोर्स डायरेक्टर भी कह सकते हैं। तो ओबीजी के का जो फैकल्टी थी वो विलिंग नहीं थी। दे वर थिंकिंग के इससे जो क्वालिटी है एग्जाम की वो लो हो जाएगी। तो फाइनली उनके आर्गुमेंट चल रहे थे, एंड नाउ दे हैव रिलीज दिस नोटिफिकेशन जो ये आपके सामने है, नजर आ रहा है। इसको हम पढ़ लेते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें उन्होंने लिखा है कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन इन ओब्स एंड गाइनी, एफसीपीएस और एमसीपीएस सबके लिए है, और ये 17/2022 को रिलीज हुआ है, 17 जनवरी 2022 को, ठीक है। द काउंसिल ऑफ द कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पाकिस्तान हैज डिसाइडेड टू रिवाइज द फॉर्मेट ऑफ क्लिनिकल कंपोनेंट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ फेलोशिप एंड मेंबरशिप इन द डिसिप्लिन ऑफ ओब्स एंड गाइनी, ठीक है। क्लिनिकल कंपिटेंसी का जो फॉर्मेट है ना, वो चेंज हुआ है, और क्लिनिकल कंपिटेंसी से मुराद है क्लिनिकल एग्जाम आपके, और उसमें भी 2 होते हैं, टोक्स एंड वाइवा। तो फिर उन्होंने फर्दर नीचे लिखा है, इन द रिवाइज्ड फॉर्मेट ऑफ एग्जामिनेशन लॉन्ग केसेस ऑफ ओब्स एंड गाइनी। अब ये क्लिनिकल कंपिटेंसी के एग्जाम को रिवाइज कर रहे हैं, लेकिन फॉर्मेट चेंज सिर्फ लॉन्ग केसेस का हो रहा है, राइट नो एज पर दिस नोटिफिकेशन, ठीक है। इन दिस रिवाइज फॉर्मेट ऑफ एग्जामिनेशन द लॉन्ग केसेस ऑफ ओब्स एंड गाइनी हैव बीन रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट केसेस एंड इंक्लूडेड इन द एक्सटेंडेड टोक्स एग्जामिनेशन। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि वो जो टोक्स एग्जामिनेशन थे वो हमने ऑब्सोलीट कर दिए हैं, वो भी हैं उसमें, ये जैसे उन्होंने ऐड किया है, पहले जैसे टोक्स हो रहे थे टोक्स वैसे ही होंगे। इधर उन्होंने लॉन्ग केसेस की बजाय शॉर्ट केसेस लेके आए हैं, ठीक है। ईच टोक स्टेशन विल कंसिस्ट ऑफ सिमुलेटेड पेशेंट्स, मैनिक्विंस एंड मेडिकल गैजेट्स। ये जो एक्सटेंडेड टोक्स होंगे ना, वैसे तो टोक्स होगा, बट जो एक्सटेंडेड टोक्स होंगे जिसको उन्होंने कहा है शॉर्ट केसेस, वो उनमें जो पेशेंट आता था पहले लॉन्ग केसेस में, उसकी बजाय रोल प्लेयर होगा, ठीक है। या मेडिकल गैजेट्स होंगे, या कुछ पेशेंट होंगे, सिमुलेटेड पेशेंट्स भी रोल प्लेयर को ही कहते हैं। मैनीक्विन वो नहीं होते, वो जो आप जाते हो बड़े बड़े मॉल्स पे कपड़े पहने हुए होते हैं डमीज में, उनको मैनीक्विंस कहते हैं। तो जैसे तो 2 चीजें आप इस चीज को देखें, रियल पेशेंट नहीं होगा, रियल पेशेंट के नाम पे मैनिक्विंस हो सकते हैं, या मैनिक्विंस बेजान चीज होती है, मतलब ये समझें कि जरूरी नहीं है कि वो बात करने वाला एक रोल प्लेयर हो, इट कुड बी साइलेंट रोल प्लेयर। तो 2 तरह के रोल प्लेयर आप एंटिसिपेट कर लें। ऑल स्किल्स यूज टू सेस द डन अवे लॉन्ग केसेस शेल बी इवेल्युएटेड थ्रू टोक्स एग्जामिनेशन। वो कह रहे हैं वो सारी स्किल्स जो पहले लॉन्ग केसेस पे यूज होती थी, वो सारी अब टोक्स एग्जामिनेशन के थ्रू होंगी। तो टोक्स तो प्रिपेयर कर, तो लॉन्ग केसेस तो प्रिपेयर करने ही है वैसे ही, ठीक है। दो, एक गाइनी का था, एक ओब्स का था, अब 2 गाइनी के हो जाएंगे और 2 ओब्स के हो जाएंगे, तो उन्होंने इसको डिवाइड कर दिया है। टोक्स की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा, और इसमें जो पेशेंट का एलिमेंट था वो जो हमारे लिए अच्छा नहीं था, कि मरीज अच्छा नहीं है, टॉक्टिव है, लैंग्वेज बैरियर है, या अलाउ नहीं कर रहा है, गप्पे मार रहा है, वो चीजें निकल आई। इसी वजह से कोई 10-20% लोग खाम खा फेल हो जाते थे, जो कि अब नहीं होंगे क्योंकि स्ट्रक्चर्ड एग्जाम होगा। और दूसरी अच्छी बात यह है कि 2 एग्जामिनर हैं, एक का मूड अच्छा नहीं है, वैसे ही आप पता है ना बायस्ड हो जाते हैं कुछ एग्जामिनर, तो दूसरे का अच्छा है। आप ओब्स पास कर जाते हो, गाइनी पास नहीं करते, अगले दफा गाइनी पास कर जाते हो, ओब्स पास नहीं करते, क्योंकि दोनों में मैंडेटरी है पास होना। बट अगर उन 2 की बजाय उनको छोटे 4 सेशन में डिवाइड कर दें, तो सिर्फ एक एग्जामिनर आपका अच्छा नहीं है, बाकी 3 अच्छे हैं, या एक एग्जामिन एक एक स्टेशन पे आप परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाए, बाकी 3 में अच्छा कर पाए हो, तो यू कैन यू विल स्टिल पास। तो ये आप लोगों के लिए अच्छा है ना। और जिन्होंने टॉक्स पहले दिए हुए हैं ना, उन्होंने अब टॉक्स में अपेयर होना या नहीं होना, ये बिल्कुल एक मतलब इस पे कयास राय हो सकती है, लॉजिकली तो नहीं होना चाहिए, बट अगर आप लोगों के बैच में वो ऐसा करेंगे
कि हर चीज ही चेंज कर रहे हैं, तो माइट बी पॉसिबिलिटी है कि टोक्स वाले जो पहले पास थे अब उनको रिपेयर होना पड़े। तो इट्स इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, बट जो शॉर्ट केसेस हैं उसकी मैंने आपको इनसाइट दे दी है। शॉर्ट केसेस का जो टाइम होता है बाकी डिसिप्लिन में, मेडिसिन में या ENT में, वो 5-6 मिनट का ही होता है। तो इसका मतलब ये है कि 6 मिनट में आपको टास्क दिया जाएगा कि ये मरीज है, 32 वीक्स पे आई है, इसको जो है ब्लड प्रेशर है, हाउ यू विल टेक हर हिस्ट्री। बस आप हिस्ट्री लेंगे, वो आपको असेस करेंगे और आपका टाइम खत्म हो जाएगा। और फिर और आपने इसमें टारगेटेड हिस्ट्री लेनी है, वो मेडिकल सर्जिकल वाली नहीं बातें करनी, HUBI लेनी है, वो ही ले सकते हो 5-6 मिनट में। दूसरे स्टेशन पे वो मे बी ये पॉसिबिलिटी हो कि ये मरीज शुगर का है, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन प्लान कर दो। तीसरे स्टेशन पे वो बताएंगे कि ये आप इसका PA करके दिखाओ, कोई मैनीक्यून होगा या कोई रोल प्लेयर होगा। रोल प्लेयर वैसे PA नहीं कराते, मैनीक्यून पे ही करना पड़ेगा PA। तो इस तरह आपके, या फिर चौथे स्टेशन पे आपको एक पूरा सिनेरियो बना के दे देंगे। एक मिनट, जैसे जस्ट एक मिनट में डाला तो था मैंने। ये मैंने इन्वेस्टिगेशंस प्लान की हुई थी। कहाँ चला गया है? जस्ट 1 मिनट। तो थैंक यू डॉक्टर नीरा, अब समझ में आया कि ये एक्सटेंडेड टॉक्स क्या है। ये लिखा भी हुआ है, हमने पढ़ा नहीं, लिखा हुआ है ना, इन द रिवाइज फॉर्मेट ऑफ एग्जामिनेशन लॉन्ग केसेस जो है ना वो रिप्लेस हुए हैं बाय शॉर्ट केसेस एंड दैट्स ऑल, और उनको इंक्लूड कर दिया एक्सटेंडेड टॉक्स एग्जामिनेशन पे। टॉक्स का मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन बाय टॉक्स? टॉक्स किसे कहते हैं वैसे? उसकी और टॉक्स में क्या फर्क? जी कौन बताएगा व्हाट टॉक्स क्या होता है? टॉक्स में आपको लिमिटेड टाइम में आपको स्टेशंस मिलते हैं, आइदर इंटरैक्टिव या फिर स्टैटिक। पहले तो सारे ही मेले मिक्स होते थे, अब ज्यादातर इंटरैक्टिव होते इसे कहते हैं टास्क और उसमें आपको कोई भी टास्क होता था। टास्क तो ये जी, तो शॉर्ट केसेस में भी तो टास्क देंगे ना, तो वो टॉक्स ही हो गया ना। टास्क ओरिएंटेड क्लिनिकल असेसमेंट, दिस इज टॉक्स। मैम इस एक ही एग्जाम है इसका मतलब हमारा? हाँ बस नहीं, आप डॉक्टर एक बात बताइएगा कि जी जी ये पूछना था कि शॉर्ट केसेस जो ने लिख दिया ना शॉर्ट केसेस, तो हमारे गायनी का और ऑप्स के कितने, दो दो केसेस होंगे शॉर्ट केसेस? दो गायनी के, दो ऑप्स के, दो गायनी के, दो या एक एक होंगे? दो, एक गायनी एक ऑप्स। बिल्कुल जैसे मेरी जी जी एक पेपर था उसपे किसी ग्रुप में शेयर हुआ था, उसमें लिखा हुआ था एक लॉन्ग केस होगा और 6-6 मिनट्स आप कह रही हैं और उसमें जी कौन सा ग्रुप है, क्या शेयर हुआ है बताएं? उसपे 4 शॉर्ट केसेस होंगे और एक्सटेंडेड टॉक्स में 15-18 स्टेशंस होंगे। वो तो वैसे ही है ना, मैं बता चुकी हूँ, 12 होते हैं, 15 स्टेशंस होती हैं, 3 रेस्ट होते हैं, वो तो हमेशा से ऐसे ही है ना टॉक्स, बाकी 4 ये ऐड हो गए तो ये 19 स्टेशंस बन गए ना टोटल। ओके मैम, हुआ मेरे एक क्वेश्चन है कि दिन में हुआ करेंगे या जैसे पहले हम एक दिन टॉक्स के लिए लोग जाते थे और अगले एक दो दिन बाद उनका वाइवा होता था, या अब सारा कुछ एक ही दिन हुआ करेगा? इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती मैं।
आई हैव नो इंफॉर्मेशन. मेरा एक क्वेश्चन है. जी जी मैम, अभी आपने पहले बात की है ना कि मतलब ये हमारा पैटर्न ही चेंज करना चाह रहे थे लॉन्ग केस से एक्सटेंडेड टॉक्स वाला, कि क्वालिटी ऑफ एग्जाम जो है ना वो मतलब हमारी अच्छी नहीं रहेगी. तो मेरा ये है कि जैसे पीड्स वाले हैं, मेडिसिन वाले हैं, वो भी तो पास हो रहे हैं ना, तो ये हमारे लिए इन्होंने इतनी अरसा ये चीज क्यों रखी रखी है मुझे बस. मैं वो शेयर नहीं कर सकती. डॉक्टर चौहान का ग्रुप है एक जहाँ हम सब बैठ रहे हैं, तो खैर उन्होंने ये बताया है कि वो खुद वो अभी भी वो जब तक सीपीएसपी में थे ना एज ए आई थिंक चेयरमैन ही थे, तब तक वो उनको पसंद नहीं था या आया भी नहीं था, तो उनको लाइक नहीं है. वो कहते हैं ये इस तरह से ठीक नहीं है, क्वालिटी खत्म हो जाएगी. अब चूंकि रिटायर्ड हो गए हैं तो बाकी लोगों का बस चल गया, उन्होंने फौरन चेंज कर दिया. वो अभी भी खुश नहीं है. वो कह रहे थे तुम लोग देखोगे बाद में कि ये बेनिफिट है या कर्स है. You will see later. I don't know, क्या कह सकते हैं. बट यही है देखो, दो केसेस की बजाय चार केसेस देनी है तो पढ़ना तो वही है ना. वो वैसे ही हिस्ट्री लेनी है, वैसे ही तुम लोगों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन मैच्योर करनी है, मैनेजमेंट प्रपोजल्स अच्छे बनाने हैं. पर तुम लोगों को थोड़ा सा साइन ऑफ रिलीफ ये मिल गया कि वो मरीज का अच्छा आना या एग्जामिनर का अच्छा आना, वो इस पे जितना तुम लोगों की 10 साल की सर्विस पे इम्पेक्ट होता था, तो वो लक का एलिमेंट खत्म हो गया. अच्छे हो तो अच्छे ही हो, पास ही हो जाओगे फिर, और बुरे हो तो फिर बुरे ही हो, फिर नहीं पास होते. ठीक है. और फिर मेरा इनके जो हमें मेरा ये जो मार्क्स देंगे ना, फिर वो मतलब पूरी वो टॉक्स की और वो शॉर्ट केसेस की पूरे मिला के फिर वो 60% करेंगे, ऐसे करेंगे. अब मध्या जिस चीज के बारे में अभी उन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किया, व्हाई वो शुड वेस्ट आवर टाइम इन अज्यूमिंग. लेकिन जो पिछले कर रहे हैं अलग है, या जैसे लॉन्ग केस का अलग था और टॉक्स का अलग था ना, तो इसलिए इसका जवाब ही नहीं है ना मेरे पास, कोई जवाब नहीं है. मैं तो ये बता सकती हूँ कि पिछले जो शॉर्ट केसेस बाकी डिसिप्लिन में हो रहे हैं तो कैसे हो रही है. उसमें शॉर्ट केसेस ही सेपरेट होते हैं. उसमें अगर आप एग्रीगेट पे पास होते हो, मतलब हर शॉर्ट केस अगर 20-20 मार्क्स का है तो टोटल बन गए 80, तो वो कट ऑफ रख देते हैं, आप इसमें पास हो जाते हो. दूसरा ये होता है कि अगर आपने टॉक्स पास किया हुआ है और आप शॉर्ट केसेस में रह गए हो, एग्रीगेट अच्छा नहीं आया, तो नेक्स्ट टाइम शॉर्ट केसेस में अपीयर होते हैं, टॉक्स नहीं देते. अच्छा सही. तो सीबीएसपी का जो पूरा एक स्टाइल है वो सबके लिए इम्प्लीकेबल है ना, सारी स्पेशलिटीज के लिए, सिर्फ एक के लिए तो चेंज नहीं है. तो नाउ जी जी मैम इसलिए पूछ रहे थे. तो ये इसको यूनिवर्सल कर रहे हैं कि हमारे सारे स्पेशलिटीज एक ही फॉर्मेट पे होने चाहिए और होने भी चाहिए. अलग हो गया और टॉक्स वाली अलग हो गया, जिसमें अगर उसका किसी का एग्रीगेट अच्छा नहीं आता तो फिर उसको सिर्फ शॉर्ट कैसे नहीं. अच्छा ओके. तुम लोगों के बंदे हैं इतने, मतलब होंगे लाइकली मेडिसिन में कोई एंटी में, उन्होंने तुम्हें नहीं बताया. हाँ पूछो उनसे. ठीक है, तुम वो भी यही कंफर्म करेंगे. चलो किसी दोस्त का बंदा होगा. चलो हाइपरटेंशन की एचओपीआई आ गई है. अच्छा मैं लेट्स सपोज ये टास्क ओरिएंटेड लर्निंग है ना, क्लिनिकल असेसमेंट होंगे. कितने चार केसेस होंगे ना? चार होंगे, दो ऑब्स दो गायनी. हाँ दो गायनी दो ऑब्स, मतलब एक पे लाइफ हिस्ट्री लेनी है, दूसरे पे इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट बनानी है. यही होगा जो होता है. अच्छा. मतलब 99% यही होगा. देखो तुम लोगों ने पेपर पास किया है, तुम लोगों ने क्या एसबीएस दिए हैं ना, अगर मैं कहूँ ट्रू फॉल्स निकालो तो वो भी निकाल लोगे, मुश्किल थोड़ी ना है. तो मैडम टाइम मैनेजमेंट क्या होगी फिर? टाइम मैनेजमेंट हर शॉर्ट जो होता है, जैसे 5-6 मिनट का आपका अपना सेशन होता है, वैसे ही शॉर्ट केसेस का होता है. उस पे वो घंटा घंटा नहीं बैठना होता. सही. 6 मिनट यानी एक सिनेरियो बता देंगे, उस पे कहेंगे कि इन्वेस्टिगेशन मांग लें आप, इस तरह? बिल्कुल. मैं आपसे कहती हूँ कि मैं मरीज हूँ, ठीक है, मुझे तो हमल 32 वीक्स पे हूँ, LMP वगैरह निकाल के दे देते हैं, या वो भी देखनी पड़ती है. इट डिपेंड्स कि कमांड क्या आती है, शायद वो कमांड ही देखना चाहते हैं कि बायोडाटा कैसे ले रहे हो, LMP कैसे निकाल रहे हो, और उसमें अनश्योर अपडेट डाल दें, राइट? तो या फिर वो तो कह देंगे हाइपरटेंशन की आज अगर मैं सिर्फ बात करूँ, तो
तो हाइपरटेंशन में जितने पॉसिबल स्टेशंस हैं वो मैंने तुम लोगों के होमवर्क में डाल दिए ना, सुने हैं तुमने जो ऑफिशियल ग्रुप्स हैं, सुन लिए है ना, बस वही होगा वही होगा, यकीन करो वही होगा। तो मेरी फ्रेंड कह रही थी यार मेरा माइक्रोकेफेली का स्टेशन था, बच्चे को बस माइक्रोकेफेली है, इसको पूरा स्टेशन है, कह रही लॉन्ग केसेस में तो मैं बंदा कुछ कर ले, अब इस एक बात पे क्या, इस एक कमांड पे हिस्ट्री भी लेनी है, बताना है ये मैं एग्जामिनेशन पे देखूंगी, ये मैं मैनेजमेंट है, वो मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपकी ग्रिप अच्छी है ना थ्री पे बहुत अच्छी, फिर ही शॉर्ट केसेस पास होते हैं। तो क्लिनिकल में तो ये था ना कि जैसे तैसे करके थ्री पास हो गई और बाकी वो सिक्का राइजुल वक्त की जो मैनेजमेंट प्लान चल रही है चलती रही, हर एक की प्रोलैप्स पे 40 वीक्स पे स्टेक्टमी होती है होती रही, अब नहीं होगा। यू नो यू यू शुड बी यू नो वेल फैमिलियर विद गाइडलाइन नाउ, क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेड होगा, वो शॉर्ट केस जो होगा उसका उसकी की डॉक्यूमेंटेड होगी, नेचर रेफरेंस भी होगा। वो ये तो नहीं कह सकते यूनिट वन में लेडी वेलिंगटन में ये काम होता है तो ये करो, जो ऐसा नहीं करेगा वो फेल हो गया, जो अभी तक ऐसा होता था ऐसे ही होते ना, किसी को कोई कहता है आप क्यों करोगे, कहता था क्यों किया, इसी पे मसले चल रहे थे, तो अब स्टैंडर्डाइज एग्जाम हो गया, सो इट्स गुड थिंग। मैम हीरा और हमें थोड़ा सा ये भी आइडिया दे दें कि हम जैसे आज से स्टार्ट करेंगे ना तो अब हम कैसे चीजों को कवर करें, ये भी हमें थोड़ा बता दें, क्योंकि हम बिल्कुल मेरा प्रॉपर प्लानर है उसको फॉलो करते रहे। आपके जो ये फोर शॉर्ट केसेस हैं ये मेरी जिम्मेदारी है, इफ यू हैव एनरोल्ड इनटू क्लिनिकल, पहले आप लॉन्ग केसेस में एनरोल हुए थे, अब मैं उसको नाम चेंज कर दूंगी शॉर्ट केसेस का, बट द गेम इज सेम। नहीं मतलब हम कह रहे हैं कि हम डेली वाइज कैसे टाइम डिवाइड करें, मतलब वार्ड में, नहीं वार्ड में अब इतने धक्के खाने की जरूरत नहीं है, आप इधर जूम पे खाओ धक्के, इतना वार्ड पे ना खाने की जरूरत नहीं, जाना है वार्ड। हां तो मैं मैं मेरा यही आपसे आइडिया लेना चाह रही हूं कि हम मतलब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें अपना टाइम ना, हमें थोड़ा बता दें ताकि हम डेली वाइज कवर करते जाएं। मैं ये ना बातें एड्रेस हो चुकी हैं, मैं अगेन रिपीटिंग इट कि आप 7 हफ्ते के 7 दिन है, 2 दिन वार्ड जाएं, 5 दिन मत जाएं, और उन 2 दिनों में जाके मैक्सिमम एग्जामिनेशन करें, ठीक है, मैक्सिमम जो है केस समरीज बनाएं, उनके मैनेजमेंट प्रपोजल्स बनाएं, मैक्सिमम केसेस की इन्वेस्टिगेशन डिजाइन करें, तो बस ये करें। तो 2 दिन में मैक्सिमम चीजें ले आओ जाके, कि एक लेट्स सपोज 1 हफ्ते में आपने सोचा है कि हाइपरटेंशन आईयूजीआर का ये मेरा हफ्ता है, इफ यू आर फॉलोइंग माय प्लान, तो मैं ये करवा रही हूँ कि एचटीएन आईयूजीआर एक मैंने बना दिया इस 4-5 दिनों में, तो आप जाएं 2 दिन एचटीएन आईयूजीआर ने तुम लोगों को केसेस ओपीडीज में, और मैं तो ओपीडीज ही कहती हूँ क्योंकि वार्ड में ना कुछ केसेस होते हैं, बट अगर वार्ड में ही मिलते हैं तो ले लो और लेके आके घर बैठ जाओ, और फिर उनकी इन्वेस्टिगेशन बनाओ, उनकी डीडीज बनाओ, उनकी इन्वेस्टिगेशन लिखो, उनकी मैनेजमेंट बनाओ। ओके मतलब डेली मतलब एवरी वीक में 1 या 2 केस जो हम लें, फिर उसी को मतलब एग्जामिन करें पेशेंट्स के ऊपर, उसी की प्रैक्टिस करें और फिर उसी का ऐसे ही करें ना, क्योंकि अब हफ्ते ही 4 हैं बाकी। बिल्कुल यू आर राइट, ऐसा ही करें, ऐसा ही हो सकता है, आप 2 दिन चले जाएं, 3 दिन चले जाएं, लेकिन डेली मत जाएं। हाँ। पहले ऐसा होता था कि बच्चे सुबह निकलते थे और शाम तक बस वो वार्ड्स में फिरते रहते थे केस ढूंढते हुए, अब ऐसा ना करें ना, अब जो काम है वो दिमाग का काम ज्यादा है। ओके अच्छा सर भी सही कह रहे थे, अच्छा चौहान साहब भी सही कह रहे थे, उनको लगता है कि हमारी ट्रेनिंग बड़ी अच्छी हो गई है तो हम बड़े अच्छे हैं, तो क्लिनिकल शॉर्ट केसेस भी असेसमेंट कर लें तो अच्छी है, ट्रेनिंग भी तो अच्छी नहीं है ना, मसला तो यहाँ मसला यही तो है, यही तो मसला है, ट्रेनिंग कोई क्या स्टैंडर्ड है ट्रेनिंग का, कुछ भी नहीं है, जैसा ये पूछते हैं वैसा कोई कोई वार्ड में बताते हैं क्या, मैं मेरा कुछ भी नहीं बताते। चलो देखिए सलूशन होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ प्रॉब्लम्स ढूंढते हैं, कुछ ऐसे जहनी आपकी एटीट्यूड होता है जो सलूशन ढूंढते हैं, आपने सलूशन ढूंढने वाला करना है, अच्छा मैम मेरा एक और बात, आपने एनीमिया और डायबिटीज के केसेस शेयर कर दिए आपने वो डिस्कस कर लिए हैं, तो फिर अब मैं हाइपरटेंशन से आपके भी स्टार्ट करूं, वो फिर बाद में कवर करूं, कैसे करूं इसको मैं, थोड़ा सुन लेना उनको, सुन लेना, अब जैसे डायबिटीज का हुआ है एक केस, उसमें मैंने स्ट्रक्चर्ड अप्रोच बताया, हाउ टू टेक हिस्ट्री, हाउ टू डू एग्जामिनेशन, हाउ टू मेक समरी एंड हाउ टू मेक मैनेजमेंट प्रपोजल, ये तो शॉर्ट केस आना ही आना ना, वो पीडीएफ के निकाल के ना बना के उसका
प्रिंट्स ले लें ताकि आपके लिए आप खुद भी स्ट्रक्चर्ड हो. इससे पहले ना मेरी एक कैंडिडेट ने मुझे बोला, मैडम इससे पहले जब हम हिस्ट्री लेते थे ना हमें ये नहीं पता था कि शुरू कहाँ से करना है खत्म कहाँ से करना है. बाउंड्री वाल लगा दिया आपने ना तीन स्टेप बता के, तो ये अच्छा हो गया कि बाउंड्री वाल आपके पास है, आपने यही तीन स्टेप पूछने हैं, पांच छह मिनट में आराम से पूछ लोगे, वही टास्क ओरिएंटेड मैनेजमेंट आराम से कर लोगे. तो जब भी वार्ड में जाओ हिस्ट्री लेने तो उसी किस्म का एक स्केच बना के उसी को फिल करने, तो फिर आप बाउंड्री वाल से बाहर नहीं होंगे. ये वाला स्केच है, ये वाला आपको पता है बायोडाटा में जो चीजें हैं इम्पोर्टेंट वो लेनी लेनी, हस्बैंड की भी वाइफ की भी. स्टेप वन से मुराद ये कि चीफ कंप्लेंट काउंट से ड्यूरेशन सेवेरिटी निकालना है, उसकी कॉम्प्लिकेशन निकालनी है और उसी को इवेल्युएट करना है कि ये हुआ क्यों है, उसकी डिडीज निकालनी है. स्टेप टू में ये जो उसको मसला हो गया है ये क्यों हुआ है, उसके रिस्क फैक्टर्स निकालने हैं. चूंकि वो प्रेगनेंट भी है तो उसकी बाकी प्रेगनेंसी की ट्राइमेस्टर वाइज इवेल्युएशन भी करनी है टू फाइंड रिस्क फैक्टर्स. और अगर ये गायनी का केस है तो ये जरूरी नहीं है कि एक पेशेंट जो प्रोलैप्स के साथ आई है वो डायबिटिक हाइपरटेंसिव ना हो, तो उसकी रिस्क असेसमेंट स्टेप टू में आ गई अलॉन्ग विद दिस के प्रोलैप्स क्यों है वो भी रिस्क फैक्टर्स निकालने, खांसती है, मैस है, बच्चे डिलीवरीज प्रॉब्लम ये वो. तो स्टेप थ्री में फाइनली प्लानिंग करनी है. प्लानिंग के लिए अब आपके पास ये होगा कि वो एग्जामिनेशन की फाइंडिंग्स पहले दे देंगे आपको ना, तो आप आराम से वो एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स देखें, मरीज से स्टेप वन टू की जो इन्फॉर्मेशन ली है उन दोनों को सिंक्रोनाइज करें, बना दें उसका मैनेजमेंट प्लान. मे भी किसी की आप हिस्टेक्टमी कर रहे हो, किसी को मारीना रख रहे हो, किसी की मायोमेक्टमी कर रहे हो, अकॉर्डिंग टू यू नो इंडिविजुअलाइज्ड रोल प्लेयर जो वो चाहते हैं उनके मुताबिक, उनके रिस्क फैक्टर्स, उनकी एज पैरिटी सेक्सुअलिटी देख देख के. ठीक है डॉक्टर, स्टेप 1 के काइंडली रिपीट कर दें, स्टेप 1 के सिर्फ पॉइंट्स. स्टेप 1 में लेट्स सपोज एक पेशेंट है, वो कहती है मुझे वजन नीचे जिस्म जो है बाहर आता है, तो आप पूछें ऑनसेट क्या है, कब से बाहर आ रहा है, मतलब ड्यूरेशन क्या है, सेवेरिटी क्या है. सेवेरिटी के मार्कर्स प्रोलैप्स में आपको पता है यूरिनरी प्रॉब्लम, बाउल प्रॉब्लम, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स या अल्सर, यही है ना. पांचवा बड़ा रेयर है वो है सीआरएफ या फ्लैंक पेन्स, तो वो सेवेरिटी के मार्कर्स देख लिए. फिर आपको 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 ये भी पता होना चाहिए कि ये जो नीचे जिस्म बाहर आ रहा है ये पोलिप भी हो सकता है, ये यूट्राइन इन्वर्जन भी हो सकती है, ये कोई वजाइनल कोई मैस हो सकता है, तो फिर वो डीडी निकालें. ठीक है, तो वो डीडीज पूछ लें कि ब्लीडिंग प्रॉब्लम तो साथ में नहीं आते या मैस रिड्यूस होता है या नहीं होता. अब एक मैस जो रिड्यूस हो जाए वो मैस सिर्फ दो तरह का होता है, या तो वो पोलिप है या वो प्रोलैप्स ही है. ठीक है, तो फिर स्टेप टू में आप इनके रिस्क फैक्टर्स पूछ लें, मे बी डायबिटिक भी साथ में हो तो पूछ लें डायबिटीज का कंट्रोल क्या है, शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशन और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन वो ऐड कर दें, मैनेजमेंट प्लान बना दें. अब 60 ईयर की अम्मा है, ठीक है, और वो सेक्सुअलिटी डिजायर्ड नहीं है और वो चाहती है डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, आपने ली है ना, उससे बातचीत की है प्लानिंग में, इन चीजों को देखें जरूर, सेक्सुअलिटी को, यूटराइन रिटेंशन को और फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स, ये तीन प्रॉब्लम्स एड्रेस कर लें. जो वो चाहती है आप उन्हें बता दें, डेफिनेटिव चाहती है वीएच कर दें, नहीं मुझे तो हस्बैंड से मिलना है यही मेरा बड़ा मसला है कि मैं ठीक रहूं, तो वजाइनल लेंथ देखें उसकी पहले ही पॉप क्यू आ जाता है इधर, खैर टीवीएल भी आपको दे देते हैं इस तरह वो, तो आप आराम से टीवीएल अगर किसी की शॉर्ट है तो सवाल ही नहीं पैदा होता, आप उसको वीएच दें ऑफर में, आपने सैक्रोचेरोपेक्सी करनी है उसकी. ठीक है, और बस बन गया मैनेजमेंट प्लान. थैंक यू. ओके, तो अच्छी बात ये है कि 5-6 मिनट में वो अगर आपकी एचओपीआई की स्ट्रक्चर्ड अप्रोच देखेंगे तो एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन खुद ही दे देंगे व्हेन दे आर इंडिकेटेड, तो आराम से प्लानिंग कर लेंगे. प्लानिंग ऑब्वियसली एचओपीआई पे तो नहीं होगी ना, दे विल गिव यू एग्जामिनेशन फाइंडिंग इन्वेस्टिगेशन फाइंडिंग, तो आराम से पक्की पकाई खीर है ये अगर तुम लोग स्ट्रक्चर्ड अप्रोच रखते हो. टॉक्स मतलब टास्क ओरिएंटेड क्लिनिकल अप्रोच आपकी अगर अच्छी है तो ये एग्जाम. अच्छा मैम, मैं मेरा और फिर उसमें हिस्ट्री में फिर जो हम पीछे पूछे थे पास्ट, फिर फैमिली, फिर ये वो, फिर वो सारी भी होगी या अब इसमें सिर्फ एचओपीसी की आ जाएगी? देखो जब हम प्रोलैप्स की बात करते हैं तो उसमें पूरी ओब्स की हिस्ट्री आती है और पूरी गायनी भी आती है और पूरी मेडिकल भी आती है, खांसी, कफ, जॉन्डस, जो चीज रेलेवेंट है वो आएगी. Okay. जो चीज रेलेवेंट है हिस्ट्री के किसी भी कंपोनेंट से वो आ जाएगी स्टेप वन में जब आप बना रहे हो डीडीज, क्लासेस और रिस्क इवैल्यूएशन कर रहे हो. ओके मैम, तो ये सब जो होगा वो 6 मिनट, ये जो शॉर्ट केसेस हैं ये 6-6 मिनट के ही होंगे? मैं इसके बारे में नहीं वर्डिंग दे सकती, वेट करें नेक्स्ट लेटर का.
तो बाकी जो स्पेशलिटीज है उनमें 5 मिनट का होता है. लाइक टॉक्सी फिर हो गया ना, अगर 5 मिनट का उनका है तो ना करें हुआ फिर ऐसा ही हो. तो टॉक्स इजी नहीं है, पास नहीं करते हो? करते हो ना? पास कर लोगे टॉक्स अगर ये सिर्फ करें तो मैं तो फिरा लूं इनको, लेकिन अभी बात ही नहीं कर रहे हो जाएंगे. अब बस हमने सोल्यूशन ढूंढने हैं. एग्जाम हमारा चेंज हो गया हमें अच्छी बात है, हमें बहुत पहले 4 हफ्ते पहले पता चल गया, तो वी विल मैनेज आवर रिफ्लेक्सेस विद इट, कोई मसला नहीं. एक मैडम बात पूछी थी कि जैसे अगर मैम चले आप हमें कोई फॉर एग्जांपल करके कोई शॉर्ट केस करवा दें, चाहे हाइपरटेंशन कराती हूँ हाइपरटेंशन के करा रही हूँ. मैम एक बात पूछनी है, जैसे शॉर्ट केस में आपने कहा कि 4 केसेस होंगे ना, तो 2 गायनी 2 ऑप्स, तो जो ऑप्स के होंगे वो दोनों कोरिलेट करेंगे एक दूसरे के साथ? लाइक अगर एक में आपको उसने बोला एग्जाम ने कि आपने हिस्ट्री लेनी है, नहीं ऐसे जरूरी नहीं है. अच्छा जरूरी नहीं है. हाँ मेरे कजन थे ईएनटी का, उनका एग्जाम हुआ दही बार टेलिंग में, एक तरफ से उन्होंने बोला थायराइड एग्जामिनेशन करो, प्रॉपर मैनोवर सारे करा लिए ठीक है, दूसरे ने मुझे कहा नेक डिसेक्शन बताओ कैसे करोगे, कौन सी स्पेस में जा रहे हो, क्या कर रहे हो ठीक है, मतलब इस तरह. और चौथे ने बोला कि ये जो कंजेशन हो जाती है वो क्या कहते हैं, डीएनएस के प्रॉब्लम्स थे, उस पे रीसेंट एडवांसेस बताओ, चलो वो फैसा आ गई है. तो ये भी चलता है, मतलब कोरिलेट नहीं करेंगे दोनों. नहीं ना, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है. आप देखें उन्होंने ब्रेकअप कर दिया है, मतलब 2 लॉन्ग केसेस को उन्होंने शॉर्ट करके 4 कर दिया, तो 2 हो जाएंगे आपकी हिस्ट्री और एग्जामिनेशन तक. वो हर कंपोनेंट को जज करेंगे, ये नहीं होगा कि चारों पे एग्जामिनेशन ही करना है, चारों पे हिस्ट्री लेनी है, चारों पे इन्वेस्टिगेशन लेनी है, नहीं, हर एस्पेक्ट जज होगा आपका ठीक है. तो अगर ओब्स के 2 स्टेशंस हैं शॉर्ट केसेस के नाम पे, तो एक पे आपकी हिस्ट्री एग्जामिनेशन जज हो रहा है, तो दूसरे पे आपकी इन्वेस्टिगेशंस या मैनेजमेंट जज हो रही है, तो आपने फिर भी लॉन्ग केसेस तैयार करने ही करने, माइंड की ट्यूनिंग नहीं होगी तो फिर वहां भी कुछ नहीं करोगे ना, तो ट्यूनिंग वैसे ही करनी है जैसे हम अपने लॉन्ग केसेस में करते हैं ठीक है. लेकिन मैडम इसका एक ये हो जाएगा कि अब आपको ज्यादा जैसे अब बेसिक डायबिटीज हाइपरटेंशन एनीमिया ये 5-6 मेन कर लिए कि जी जिनके पास शॉर्ट टाइम है और जाके आप दे आए, अब तो फिर सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा मैडम, फिर माइनर भी पढ़ने पड़ेंगे जो हैं, जैसे एपिलेप्सी है और जो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है. नहीं बिल्कुल, तो एपिलेप्सी वाले भी आते हैं, कार्डिक वाले भी आते हैं, प्राइमरी मेनोरिया वाले भी आते हैं, मैंने तो वो भी देखे हैं, क्या कहते हैं शिहान सिंड्रोम तक देखा हुआ है, डीबीटीज देखी हुई है, हर किस्म का आएगा, ये अभी आती नहीं आएंगी है, तो टॉक्स में आ रही है डिप्रेशन, ये सब आ रहा है वो टॉक स्टेशन में. मैम अब तो वो उस तरह का स्टाइल हो गया ना, वो सारी चीजें उसी तरह की आ जाएंगी जैसे टॉक्स की होते हैं, शॉर्ट केस भी टॉक. तो तुम नहीं रहे, तुमने एसबीएस दिया है, तुम वो मैं कह रही थी वजाइनल कार्सिनोमा नहीं छोड़ सकते, उसमें सार्कोमा बॉटराइट नहीं छोड़ सकते, तुम विंड नहीं छोड़ सकते, तुम सोरियासिस नहीं छोड़ सकते, छोड़ कुछ भी नहीं सकते, सारा पढ़ना है. एक आपकी बड़ी अच्छी वाइडर अप्रोच होनी चाहिए हर कंपोनेंट पे. जी मैम ऐसे ही है डॉक्टर, लेकिन इससे मेहनती बच्चा पास होगा ना, वो लक वाला बच्चा नहीं होगा ना, फिर लक से जल्दी मरीज अच्छा था, एग्जामिनर का मूड अच्छा था, अब वाकई जो हार्ड वर्कर है ठीक है वो ही पास होगा. मैम वैसे ये पैटर्न अच्छा है पास होने के लिए, जिस तरह से लड़कियां बहुत सफर करती हैं वाइवा में, टॉक्स में निकल जाती हैं, एक केस पास हो जाता है, एक फेल हो जाता है, फिर थ्योरी एक्सपायर हो जाती है, उस तरह से तो ये बहुत अच्छा है. हाँ जी बिल्कुल मैडम, टॉपिक स्टार्ट ना करें. हाँ कर लेते हैं, कोई वॉलंटियर है हमारे पास? जी मैम मैं आ जाऊँ. हाँ जी इसका आप आ जाए, और कोई इनके अलावा? दरमियान में तुम लोग डिस्कनेक्ट भी हो जाते हो. जी डॉक्टर. चलें लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम. एक मिनट